तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि शायद 2021 में WWE को छोड़ देंगे या फिर उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर WWE उनकी तरफ तो बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही है और उनका करियर जो है वो यहाँ पर डूबता हुआ ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको टॉप 5 ऐसे सुपरस्टार बताने वाला हूँ जो कि WWE को छोड़ देना चाहिए जिनको, और यहाँ पर ये डिमांड की वीडियो होने वाली है, वॉरियर्स की डिमांड की वीडियो होने वाली है, जहाँ पर किसी ने यहाँ पर कमेंट में बोला था इस वीडियो को बनाने के लिए, जहाँ पर इनका नाम है सोलमा रूहुल इनका नाम है, तो इन्होंने यहाँ पर मतलब बोला था इस वीडियो को बनाने के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने हैशटैग वॉरियर्स की डिमांड तो लगाया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के अगर आपकी कुछ भी ऐसी डिमांड की वीडियो, मतलब आप चाहते हो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, आपको मतलब किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मतलब अपनी वीडियो मतलब बताने से पहले उस वीडियो से पहले आपको हैशटैग वॉरियर्स की डिमांड जरूर लगाना है। आप मतलब हैशटैग लगा देना ये वाला, तो उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन पिक हो जाएगा, मैं आपकी डिमांड के ऊपर यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर तो ये गलती हो गई थी, चलो इसमें वैसे टॉप 5 सुपरस्टार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी ना कमाल की होने वाली है, तो इसको लाइक जरूर कर देना और अगर आपकी भी कुछ डिमांड है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें नंबर 5 से, तो गाइस यहाँ पर सुपरस्टार आते हैं अंद्रादे। तो अंद्रादे का हमने देखा NXT के अंदर उनका करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था, मतलब NXT चैंपियन भी वो बने थे और मेन रोस्टर के अंदर भी हमने देखा था, स्मैकडाउन के अंदर आए थे वो, फिर रॉ के अंदर आए थे, और रॉ के अंदर आने के बाद हमने देखा था वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी बने थे, रे मिस्टीरियो के साथ उनकी एक काफ़ी अच्छी फ्यूड चली थी। लेकिन अभी की हम बात करें अंद्रादे की, तो वो कहाँ है वो किसी को पता नहीं है, WWE ने शायद उनके ऊपर ध्यान देना मतलब बंद कर दिया उनकी, WWE को शायद उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं है उनके बारे में, WWE यहाँ पर बिल्कुल भी सोच नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से अंद्रादे को भी यहाँ पर छोड़ देना चाहिए WWE को, क्योंकि WWE जब उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रही है, उनको बुक ही नहीं कर रही है, तो फिर कंपनी में रहने का फायदा क्या है। अब जितना यहाँ पर पोस्ट करना था रिक फ्लेयर के दामाद को, रिक फ्लेयर की इज्जत रख दी विंस मैकमैन ने, लेकिन मुझे लगता नहीं है अब ज़्यादा कुछ इज्जत रही है रखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अंद्रादे एक सुपरस्टार है जिनको यहाँ पर कंपनी 2021 में छोड़ देनी चाहिए। नंबर 4 की बात करें, तो बस यहाँ पर सुपरस्टार आते हैं वो आते हैं जॉन मॉरिसन। तो जॉन मॉरिसन का आप सोचोगे उन्होंने तो अभी WWE को 2019 में ही वो उन्होंने वापसी करी थी, लेकिन वापसी के बाद हमने जॉन मॉरिसन का देखा क्या, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जॉन मॉरिसन से वैसा तो WWE ने बिल्कुल हमें दिया नहीं, मतलब उनके रिटर्न के बाद उनके साथ हुआ गया, बस उनको मिक्स के साथ फिर से टैग टीम में डाल दिया गया, जो कि वो रिटर्न से WWE के अंदर पहले के टाइम में थे तब भी हुआ करते थे, और WWE ने वापस से वही चीज़ करी, और मिक्स के साथ भी चलो टैग टीम में डालना चलो ठीक है, लेकिन बाद में उस टैग टीम को अच्छे से बुक भी नहीं करना, बस ज़बरदस्ती के MITB के सेगमेंट कराने और उसके अंदर ही मतलब मिज एंड मॉरिसन को बिठा देना, ना उनको टैग टीम टाइटल्स देने, एक बार दिए थे स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन वो भी उनका जो टाइटल है ज़्यादा लंबा गया नहीं था। तो जॉन मॉरिसन का मुझे लगता नहीं है WWE के अंदर, यहाँ WWE उनके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने वाली है, क्योंकि जॉन मॉरिसन भी WWE के अंदर वापस तभी आए होंगे, उन्हें ऐसा लगा होगा कि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया WWE से बाहर जाके लूचा अंडरग्राउंड में, इंपैक्ट रेसलिंग में, कि मैं मतलब एक मेन इवेंट लेवल का सुपरस्टार हूँ, वर्ल्ड टाइटल डिजर्व करता हूँ, लेकिन WWE शायद उनको वर्ल्ड टाइटल देने ही नहीं चाहती, उनको सिंगल्स करियर में लाने ही नहीं चाहती, उनको कुछ देने ही नहीं चाहती, उनको भी WWE को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि WWE तो उनकी बिल्कुल भी यहाँ पर केयर कर नहीं रही है। नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पर सुपरस्टार आते हैं वो आते हैं सिंसके नाकामुरा। तो सिंसके नाकामुरा भी एक ऐसे सुपरस्टार है मेरी लिस्ट में जो कि WWE उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है, जिनको मेरे हिसाब से उनको भी यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिंसके नाकामुरा की भी बात करें तो पिछले कुछ सालों में उनकी भी ज़्यादा कुछ बुकिंग अच्छी गई नहीं है, हमने देखा था बस AJ स्टाइल के साथ ही 2018 में उनकी फ्यूड काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई थी, लेकिन वहाँ पर भी वो वर्ल्ड चैंपियन बन नहीं पाए थे, और उसके बाद WWE बस इनको टाइटल मतलब इसीलिए देती रही जिससे यहाँ पर ये कंपनी नहीं छोड़ दे, हमने देखा उनको US चैंपियन बनाया, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाया, लेकिन उनके जो दोनों टाइटल रेन गए थे मुझे बिल्कुल भी पसंद आए नहीं थे, क्योंकि चैंपियन उनको बना के रखा लेकिन वो टाइटल यहाँ पर डिफेंड नहीं करते थे, बहुत कम बार मतलब डिफेंड करते थे, बहुत कम बार हमें शोज पे देखने मिलते थे, मतलब जो दोनों टाइटल रेन गए थे बस ऐसा लग रहा था नाकामुरा को ज़बरदस्ती टाइटल दे के रखा है जिससे वो यहाँ पर कंपनी छोड़ के चले ना जाए। तो यहाँ पर नाकामुरा को भी मुझे लगता नहीं है WWE आगे चल के कुछ देने वाली है, और वैसे भी हम देख रहे हैं आज के टाइम में WWE के पास सुपरस्टार इतने सारे हैं, वो किस किस को मतलब कितने टाइटल देगी, तो नाकामुरा भी मेरे हिसाब से एक ऐसे सुपरस्टार है जिनका WWE शायद आगे चल के कुछ करने नहीं वाली, तो इनको पहले यहाँ पर खिसक लेना चाहिए इससे पहले WWE इनको रिलीज़ कर दे, उससे पहले खुद ही यहाँ पर मुझे लगता है नाकामुरा को निकल जाना चाहिए। नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पर सुपरस्टार आते हैं वो आते हैं एलिस्टर ब्लैक। तो एलिस्टर ब्लैक भी एक ऐसे सुपरस्टार थे, मतलब NXT के अंदर मेरे फेवरेट सुपरस्टार थे, मेन रोस्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब हमने देखा NXT के अंदर कितने अच्छे अच्छे उन्होंने मैचेस दिए हैं, NXT चैंपियन भी रहे हैं, मेन रोस्टर के अंदर भी जब वो आए थे काफ़ी सारे लोगों की उनसे उम्मीदें थी कि मेन रोस्टर के ऊपर ये सुपरस्टार आए तो मतलब एक टाइटल तो इसको मिल ही जाएगा, वर्ल्ड चैंपियन WWE ना बनाए लेकिन एक टाइटल तो इनको दे ही देगी, लेकिन इनके साथ भी हमने क्या देखा WWE इनको अच्छे से बुक ही नहीं कर पाई, लेकिन एक टाइम पे हमने देखा था जब पॉल हेमन के अंडर में रॉ थी तब वो थोड़ा पुश कर रहे थे एलिस्टर ब्लैक को, लेकिन बाद में जब सारी चीज़ें वापस से मतलब पलट गई
तो यहाँ पर हमने देखा एलिस्टर ब्लैक के साथ भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और बाद में हमने देखा WWE ने यहाँ पर जेलिना वेगा को रिलीज़ कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक के ऊपर भी ध्यान दिया नहीं, और उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भी की थी कि उनको वापस से एनएक्सटी के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन WWE ने वैसा भी किया नहीं, वो स्मैकडाउन के अंदर ही हैं लेकिन देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो WWE मेरे हिसाब से इनके साथ भी आगे चल के कुछ अच्छा करने नहीं वाली, अभी भी कुछ अच्छा कर नहीं रही है, और अभी तक भी अच्छा किया नहीं है WWE ने इनके साथ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक भी एक सुपरस्टार हैं जिनको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। और नंबर वन पर सुपरस्टार आते हैं, वो आते हैं गाइस रेको से। अब रेको से का मतलब WWE को कभी भी किसी सुपरस्टार की छोड़ने की लिस्ट में नाम आएगा तो मेरे मतलब टॉप लिस्ट पर यहाँ पर रेको से का नाम रहेगा कि इनको तो पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर WWE रेको के साथ मतलब कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रही है, जबकि रेको से WWE के पास एक अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर WWE कुछ कर सकती है रेको से के साथ। एक मतलब बड़े सुपरस्टार हैं रेको से, कोई छोटे मोटे नहीं है। अगर आपने उनको WWE के अंदर ही देखा है और वो भी मेन रोस्टर के अंदर देखा है तो आपको लगता होगा रेको से कुछ भी काम की सुपरस्टार नहीं, लेकिन अगर आपने उनको NXT के अंदर देखा है, लूचा अंडरग्राउंड के अंदर देखा है, NJPW के अंदर देखा है, इंडी शोज में देखा है आपने रेको से को, तो आपको पता होगा इस सुपरस्टार में कितना ज़्यादा टैलेंट है, ये सुपरस्टार कैसे कैसे मैचेस दे सकता है। तो यहाँ पर रेको से मेरे हिसाब से एक सुपरस्टार है जिनको सबसे पहले WWE को छोड़ना चाहिए, क्योंकि WWE उनके साथ में कुछ भी अच्छा कर नहीं रही है, और रेको से को तो नंबर वन पे ही मैंने रखा है जो कि इनको छोड़ देना चाहिए। तो बस ये थे ऐसे टॉप फाइव सुपरस्टार जिनको WWE को छोड़ देना चाहिए 2021 में। आप कमेंट करके आप लोग मुझे जाना कि आप इन सुपरस्टार के बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या कहना है, इनको छोड़ना चाहिए WWE को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपकी भी कुछ ऐसी डिमांड है, आप चाहते हो कि मैं आपकी डिमांड के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो हैशटैग आपको वॉरियर्स की डिमांड लगाना है, उसके बाद आपको अपना टॉपिक बताना किस टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर डिमांड पर वीडियो बनाई तो आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। तो आप लाइक करते हो, आपकी डिमांड पर वीडियो बनाते हो तो काफ़ी ना मोटिवेशन फील होता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।